हाय फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह। वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ये पैटर्न। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है ये। जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में आप इसे डाल सकते हैं। फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरह से लगता है, देखिए बैक साइड से कुछ ये इस तरह से है, सिंपल सा लगता है और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर जस्ट 5 फंदों का ये पैटर्न है, ठीक है। जस्ट 5 फंदों का ये पैटर्न है और बाकी इसको आपको रिपीटेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन इसमें 5 फंदों का। जैसे 5 फंदे, ये पाँच, ये पाँच, इस तरह से आप इसमें कितने भी फंदे डालिए लेकिन 5 5 फंदों पे ये डिज़ाइन चढ़ता है। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि लास्ट में यहाँ पे 2 या 3 फंदे उल्टे ज़रूर रखिएगा। मतलब 5 5 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 या 3 इसमें एक्स्ट्रा कीजिएगा, लास्ट में उल्टे फंदे रखिएगा। तो ये देखिए, और जस्ट 4 लाइंस का ये डिज़ाइन है, 4 रोज का है ये डिज़ाइन। बहुत आसान है, बच्चों के स्वेटर में तो बहुत प्यारा लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें आप इसे कलरफुल भी बना सकते हैं, जैसे कि ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक ये, इसको आप ना मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, जैसे कितने भी 2 या 3 कलर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो चलिए देख लीजिए, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो बीच में मैंने आगे 4 फंदे लिए हैं सीधे, ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन में जो मैंने 4 फंदे सीधे लिए हैं, ये जो ये फली का फंदा छोड़ के जो बीच में 4 फंदे, यहाँ 4, यहाँ 4, ये 4 जो फंदे सीधे लिए हैं, आप इसकी जगह कितने भी कर सकते हैं। मतलब ये ब्लॉक और भी चौड़े भी कर सकते हैं और ये इसकी ऊपर विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। तो 4 फंदों की जगह आप 5 फंदे, 6 फंदे, 8 फंदे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। यहाँ पर ये देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पे ये फंदे डाल लिए हैं, 15 फंदे डाले हैं। मैं आपको जस्ट सैंपल बता रही हूँ ये वाला पैटर्न किस तरह से बनेगा। देखिए 15 स्टिचेस लेने के बाद आप फंदे कैसे भी डालिएगा। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, 15 फंदे मैंने लिए हैं और प्लस 2 कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास 17 फंदे हैं। अब इसमें आपने करना क्या है, देखिए पहला फंदा तो जस्ट आप स्किप करेंगे, हमेशा स्किप करती हूँ मैं। 4 फंदे मैं सीधे बुनूंगी, 1 2 3, देखिए 4, ठीक है। अब एक फंदा जस्ट इस तरह से मैं स्किप कर लूंगी, ठीक है। 1 2 3, ये देखिए 4, ठीक है। फिर एक फंदा मैं स्किप कर लूंगी, जस्ट ये 5 फंदों का ही पैटर्न है। 1 2 3 4, ठीक है। एक फंदा मैं फिर से स्किप कर लूँगी और लास्ट का ये फंदा मैं सीधा बुन लूँगी। बैक साइड से आएंगे, अब देखिए बैक साइड से इसमें ये उल्टा उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा किस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे बैक साइड से क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा हम पर्ल वाइज स्किप करेंगे, ठीक है, उतार लिया। अब ये जो फंदा हमने इस तरफ उतारा था, इसको देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए बुना नहीं था जो फंदा हमने, इसको बस ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब बाकी के 4 फंदे जो हमने सीधे बुने थे वो उल्टे बुनेंगे, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब ये देखिए ये जो फंदा है, ये देखिए स्किप किया हुआ फंदा अलग से नजर आ रहा है, इसको हम फिर से स्किप कर लेंगे, 1 2 3, देखिए 4, ये देखिए फिर से स्किप किया हुआ फंदा है उल्टी साइड से, इसे फिर से स्किप कर लेंगे सॉरी 1 2 3 4, और लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। 2 रोज हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड लाइन पे आएंगे, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको और नज़दीक से कर देती हूँ, ये देखिए 2 लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमारी थर्ड लाइन, पहला फंदा हम इस तरह से देखिए स्किप करेंगे,
धागा आगे लाएंगे। अब जो चार फंदे हमने सीधे बुने थे उन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। एक, दो, तीन, देखिए चार, धागा पीछे जाएगा। अब जो फंदा हमने स्किप किया था उसे हम सीधा बुनेंगे, ये देखिए। फिर धागा आगे, मतलब थर्ड लाइन में हमें चार फंदे उल्टे एक फंदा सीधा बुनना है। दो, तीन, चार, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, धागा आगे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, लास्ट का फंदा उल्टा, ये देखिए। बैक साइड आ जाएंगे, पहला फंदा हम स्किप करेंगे। अब ये दूसरा फंदा जो हमने यहाँ पे किया था उल्टा बुना था उसे भी हम उल्टा बुन लेंगे, यानी कि ये फोर्थ रो हमें पूरी उल्टी बुननी है, पूरी लाइन हमें फोर्थ उल्टी ही बुननी है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, बस जस्ट ये चार सिलाइयों का डिजाइन है। ये देखिए, ये जो ब्लॉक्स से बन के आते हैं बहुत खूबसूरत बन के आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये ब्लॉक्स। अब इसको ये देखिए, अब ये जो चार सिलाइयाँ मैंने बताई हैं वही हमें रिपीटेशन करनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। अब देखिए, फर्स्ट हम स्किप करेंगे, ठीक है, चार सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, देन स्किप, एक, दो, तीन, चार, स्किप, एक, दो, तीन, चार, स्किप, लास्ट का सीधा, ठीक है। सेकंड रो स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, एक, दो, तीन, चार, फिर से स्किप करेंगे, एक, दो, तीन, चार, स्किप करेंगे, एक, दो, तीन, चार, देन उल्टा। अब फोर्थ लाइन बनाएंगे हम, थर्ड लाइन स्किप करेंगे, धागा आगे आएगा, चार उल्टे, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, चार उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे, एक सीधा, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे, सीधा, धागा आगे, एक उल्टा। फोर्थ रो पूरी उल्टी जाएगी। पूरी उल्टी जाएगी फोर्थ रो, ये देखिए
किस तरह से करें, ये देखिए, बस इन्हीं चार सिलाइयों का रिपीटेशन है, मैंने आपको रिपीटेशन करके भी दिखा दिया है, ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन के आएगा, बहुत खूबसूरत चढ़ता है ये बच्चों के स्वेटर में, तो बहुत प्यारा लगता है, जेंट स्वेटर में भी ये बहुत अच्छा चढ़ता है। इसके साथ मैं आप इस डिज़ाइन के साथ, इस पैटर्न के साथ मैं आपके लिए एक स्वेटर शेयर करूँगी पूरा, तो देखिए कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और शेयर कीजिएगा सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल बटन के साथ, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।